आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार के कल हमने सुना और आप लोगों ने भी सुना शायद कि आप लोगों का जो मानदेय है उसे 1000 से बढ़ाकर जो है 2500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि उसमें 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ पारितोषिक शब्द को बदलकर मानदेय कर दिया गया है, यानी कि अब आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा जो है वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ और भी कई मांगे इसमें पूरी हुई, ठीक है, लेकिन ये 2500 रुपया जो बढ़ा ये बहुत ही कम है, बहुत ही ये निंदनीय है कि इतने दिनों के हड़ताल के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया ही बढ़ता है तो कुछ लोग इसे साजिश भी कह रहे हैं, लेकिन हम बिना प्रूफ के इसे साजिश नहीं कहेंगे, हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। जो भी कहा है शशि यादव ने वो बिल्कुल जो भी कहा है उन्हीं को मानना हम लोगों को पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है, आपको पता होगा कि 3 संगठन के द्वारा आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर एवं कुरियर, ठीक है, इन तीनों के लिए 3 संगठन जो है कार्य हड़ताल पर थी, तो 2 संगठनों से वार्ता हुई है, 1 संगठन से वार्ता नहीं हुई है। और जिस संगठन से वार्ता नहीं हुई है उस संगठन का नाम है एटक। तो एटक के महासचिव कौशलेंद्र शर्मा कहते हैं कि उन 2 संगठनों से बात हुई है, हमसे बात नहीं हुई है, इसीलिए हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। जब तक सरकार लिखित नहीं कर देती तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। यानी कि उनका कहना है कि सोमवार को आप सभी लोग पटना आइए, फिर वहाँ पर जब तक सरकार वार्तालाप नहीं करेगी तो हम लोग फिर भूख हड़ताल में चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम आपको उनका वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार एकट के महासचिव कौशलेंद्र शर्मा क्या कह रहे हैं। आप पहले उनसे ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तेजस्वी जी को इतना आसान नहीं है, जब 3 संगठन उनके जो हड़ताल पर था तो 2 संगठन से क्यों बात की। और बाकी जो है हमको भी बुलावा आया, लेकिन हम लोग बोले आ गए कि पत्र जारी करने के बाद बोलिए, आप अपने से तैयार कीजिए, होमवर्क कीजिए, अगर पत्र देते हैं तो हम बात करेंगे, पत्र नहीं देते हैं तो हम बात करने से इनकार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड फाइल न्यूज़ और अभी मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं संघ के महासचिव कौशलेंद्र कुमार शर्मा जी से, जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो है तीनों गुट के आशा बहनों से कुछ कहना चाहते हैं। इनकी बातों को सुने और उसके बाद ये जो कह रहे हैं इनकी बातों को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भटकाने वाली बातें जो की जा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कौशलेंद्र जी की बातों को सुने। आप सुनिए उनकी उनकी बातें। सबसे पहले आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर के संयुक्त लड़ाई की वजह से हम लोग 17 जुलाई से हड़ताल पर थे, अभी भी हड़ताल पर हैं। 10 अगस्त के सरकार के खिलाफ जो विरोध मार्च किए डकोंगला पर, तारामंडल सरकार के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री ने बोले कि हम बात करेंगे, इन्होंने सोमवार तक समय लिए थे। हम जो है ये लड़ाई की जो जीत है यह 10 अगस्त के सड़क जाम की वजह से सरकार पीछे हटी है, लेकिन अभी हमको सरकार की तरफ से जो बात जो लिखित होना चाहिए जो नहीं हुआ है, और जब तक लिखित नहीं होगा तो हम कैसे मान लेंगे 1500 होगा कि 2000 हो जाएगा। इसलिए जो सर्टन नोट हो रहे हैं, हमारा बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ और बिहार वैक्सीन कोरियर संघ तीनों के संयुक्त लड़ाई चलेगा, और जब तक पत्र सरकार नहीं निकालेगा हमसे बैठकर स्टेटमेंट सरकार जब तक नहीं करेगा हम पीछे हटने वाला नहीं है। हम राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर से मेरा निवेदन है कि आप हड़ताल जारी रखें। सोमवार के दिन आपातकाल हम बैठक बुलाए हैं, राज्य के तमाम जिला के प्रतिनिधि, प्रखंड के प्रतिनिधि आपात पटना पहुँचने का कष्ट करें, 10 बजे तक पटना आए और हम लोग बैठक में तय करेंगे। अगर सरकार नहीं माना पत्र पर तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। हम जब तक पत्र नहीं निकल जाएगा तो सरकार पर कैसे भरोसा करेंगे। इन लोग जो भी हैं जो सरकार के मौखिक पर और सर्टन इसके पहले भी समझौता जितना हुआ है तो लिखित होता था, मौखिक इन लोग जाकर मिले हैं विधायक के द्वारा, इन लोग के द्वारा बुलावा नहीं आया है।
विधायक के द्वारा मिलके फोटो उतरवा के, और जो है सरकार जब बात करेगी तो कोई लिखित समझौता होगा, कोई पत्र नहीं जारी किया है। इसलिए हमारा बिहार आशा संघ और वैक्सीन कोरियर जब तक लिखित नहीं मिलेगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। इसमें आशा का जिक्र हो रहा है, फैसिलिटेटर का भी एक रुपया का जिक्र नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में फैसिलिटेटर भी लड़ाई के साथ था, तो फिर फैसिलिटेटर का जिक्र कौन हो रहा है? फैसिलिटेटर के कितना मिला, आशा को कितना मिला, सरकार पत्र जारी करे। वैक्सीन कोरियर चर्चा नहीं किया है, वैक्सीन कोरियर को भी जिक्र करे। सिर्फ आशा की खबर चल रही है, फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर की छोड़ दिया गया है। हमारा जो संगठन है तीनों को लेकर चल रहे हैं, और आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को जो मानदेय तय होगा न्यूनतम, सरकार के डायरेक्टर मालिक होता है, मंत्री नहीं होता है, और डायरेक्टर को या सरकार के स्टेटमेंट जब तक नहीं आ जाएगा हमारा हड़ताल जारी रहेगा, और 15 तक इंतजार करेंगे। सोमवार की हम बैठक बुलाए हैं, और इसके बाद हम सोमवार की भोग हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे। हम सभी आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को पटना बुलाएंगे, सभी विधायक को घेरेंगे, मंत्री को घेरेंगे। तेजस्वी जी को इतना आसान नहीं है, जब तीन संगठन उनके जब हड़ताल पर था कि दो संगठन से क्यों बात की। और बाकी जो है हमको भी बुलावा आया, लेकिन हम लोग बोले आ गए कि पत्र जारी करने के बाद बोलिए, आप अपने से तैयार कीजिए, होमवर्क कीजिए, अगर पत्र देते हैं तो हम बात करेंगे, पत्र नहीं देते हैं तो हम बात करने से इनकार करते हैं। क्या कहेंगे पूरी आशा, तमाम आशा और फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आप डटे रहिए, और सोमवार को जो है सभी जिला और प्रखंड के पटना 10 बजे तक पहुँचने का कष्ट करेंगे। यह लड़ाई जब तक पत्र नहीं जारी होगा इसमें थोड़ा दुविधा है, सरकार नहीं बतला रही, सिर्फ आशा का जिक्र हो रहा है, फैसिलिटेटर का जिक्र नहीं हो रहा है, वैक्सीन कोरियर का जिक्र नहीं हो रहा है। जब तीनों लड़ाई में जब शामिल है, सिर्फ आशा वो भी मौखिक हो रहा है, तो हमारा इसके पहले भी समझौता हुआ था लिखित या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सरकार के वक्तव्य आया है, ये तो फोटो आया है, सरकार का तो बयान नहीं आया है। सरकार बयान करे और तीनों के बुलाए, और जब दो की वार्ता जब समाप्त कर दिया तो हम नहीं समाप्त करेंगे। सरकार से मेरा अपील है कि हमसे बात करें और पत्र पहले निकाले तब हम बात करेंगे, और नहीं तो ये हड़ताल रहेगा। हम सभी को पटना बुलाएंगे, हमको संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। तो जिस प्रकार आपने एटक के महासचिव यानी कि कौशलेंद्र शर्मा का बात आपने सुना, उनका कहना यह है कि तीन संगठन जो है हड़ताल पर थी, तो दो संगठनों से वार्ता हुई है सरकार की, जो है हम लोगों से वार्ता नहीं हुई है, इसीलिए हम लोगों का जो है हड़ताल जारी रहेगा, उनका कहना ये है। और सबसे जो है बड़ी बात यह है कि इतने दिनों की हड़ताल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये बढ़ा, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बिल्कुल बेकार चला गया हड़ताल, बिल्कुल ही बेकार चला गया हड़ताल का कोई भी लाभ जो है नहीं मिल पाया आशा कार्यकर्ताओं को, सिर्फ 1500 रुपया बढ़ाया गया। इसलिए लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है आशा कार्यकर्ताओं को झुनझुना थमा दिया, और सच में ये झुनझुना के तरह ही है। इतने दिनों के हड़ताल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे आशा कार्यकर्ताएँ अभी भी काफ़ी आक्रोश में है, वो नहीं चाहती हैं कि हड़ताल स्थगित हो, क्योंकि मानदेय बहुत कम बढ़ाया गया है, इस मानदेय को और बढ़ाया जाए उसके बाद हड़ताल बंद हो। तो आप सभी मिलाइए, देखिए क्या होता है। जैसे कि कहा एटक के महासचिव ने कि हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, तो फिर आप लोग भी हड़ताल में जा सकते हैं, इसके लिए मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता। आप लोग अपने से, अपने PHC से मिलाइए, अपने PHC के सभी आशा कार्यकर्ताओं से मिलाइए, ठीक है, आपके जो संगठन है उनसे भी मिलाइए आप लोग। जिस प्रकार की कहा गया कि दो संगठनों से वार्ता हुई है, एक्टू, ठीक है, जो जो महा जो है इपवा के महासचिव हैं, जो गोपगुट एक्टू के अध्यक्ष हैं यानी कि शशि यादव, उनसे वार्ता हुई है तेजस्वी यादव की, तो ये मांगे पूरी हुई, और हमने कल आपको समझौता वार्ता पत्र भी दिखाया, तो कि कौन कौन मांगे मांगी गई थी, उन पर क्या निर्णय हुआ, इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। खैर चलिए, आप लोगों का और हमारा जो है मिलन इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से होता रहेगा, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो है सिर्फ आपके लिए खबरें नहीं, हड़ताल की खबरें नहीं, बल्कि सभी प्रकार की आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो अश्विनी पोर्टल के लिए कोई जानकारी हो, या फिर किसी भी तरह का फॉर्म किसी भी तरह से भरने का काम हो, या फिर टीकाकरण का जो है ड्यू लिस्ट सर्वे, या फिर जो है और भी कई तरह के रजिस्टर, उनको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से उनको बनाना है, सही तरीका क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको लगातार ये मॉडर्न एजुकेशन चैनल आपको देते रहेगा। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, ये मेरी कामना रहेगी। आप सभी आशा कार्यकर्ताएँ बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी खुद आशा है, इसलिए मैं इस चीज़ को
समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत आप लोग करते हैं। ये जो मेहनताना आप लोगों को दिया गया है ये बिल्कुल जो है ना के बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस हड़ताल का। तो पहले आप सभी आशा कार्यकर्ताएँ अपने पीएचसी के सभी आशा कार्यकर्ताओं से मिलाइए कि हड़ताल को जारी रखना है या फिर नहीं। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाली समय में हर एक वीडियो यानी कि महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।